नमस्ते, वर्ल्ड ऑफ रेसिपीज के किचन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वैशाली और आज की रेसिपी है मैसूर मसाला डोसा। ये बहुत ही फेमस डिश है, तो आज मैं आपको ये मैसूर मसाला डोसा दो स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी। रेस्टोरेंट में कैसे सर्व किया जाता है और ये स्ट्रीट्स पे कैसे सर्व किया जाता है, तो देखते हैं हम लोग मैसूर मसाला डोसा कैसे बनाते हैं। मैसूर मसाला डोसा की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 8 से 10 लाल सूखी मिर्ची, ये हमने गर्म पानी में भिगो के रखी है लगभग 2 घंटे के लिए। एक मीडियम साइज का प्याज कटा हुआ, ये रोस्टेड ग्राम दाल है जिसको दलिया भी बोलते हैं, ये हमने लिया है 1/4 कप। डेसिकेटेड कोकोनट लिया है हमने 1/4 कप। एक नींबू, कुछ कड़ी पत्ता, लहसुन की कलियाँ 10 से 12 लहसुन की कलियाँ है ये, कुछ अदरक के टुकड़े। फिर हमें चाहिए जीरा, 2 टीस्पून जीरा लिया है हमने। हल्दी लगभग आधा टीस्पून है। लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून। हींग या असाफेटिडा चुटकी भर हींग लिया है यहाँ पर। नमक स्वादानुसार और हम तेल लेंगे 1 टेबलस्पून। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में हमने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है, ये ऑयल अभी गर्म हो गया। हम इसमें डालेंगे जीरा, फिर डालेंगे प्याज, प्याज को हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब ये प्याज हल्के ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक के चूल्हे, अदरक के टुकड़े। इनको 1 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर हम डालेंगे कड़ी पत्ता, इसको हल्का सा भून लेंगे हम। अब हम इसमें डालेंगे ये रोस्टेड ग्राम दाल, इन्हें 2 मिनट के लिए पकाएंगे हम। वैसे ये दाल को पकाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी रोस्टेड दाल होती है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे सूखे मसाले, हींग, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक। नमक अपने स्वादानुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, इसको पकने में टाइम नहीं लगता है, लगभग आधा मिनट हम इसको घुमाएंगे। कोकोनट की सुगंध ऑलरेडी आना शुरू हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे ये लाल मिर्च, हमने जो गर्म पानी में भिगो के रखे हैं, इसमें हमने पूरे इसके जो सीड्स है वो निकाल दिए हैं। अगर सीड्स इसमें रहेंगे तो बहुत तीखी हो जाएगी ये चटनी, इसलिए हमें सिर्फ इसका लाल कलर चाहिए, इसलिए हमने इसके सीड्स पूरे निकाल दिए। अगर आप चाहे तो 2-3 मिर्ची के सीड्स आप रख सकते हैं, अगर आपको तीखी चटनी पसंद है तो। मैं इस पानी के साथ इसको ऐड कर दूंगी और इसमें हम लोग ये लेमन स्क्वीज कर देंगे। लेमन के सीड्स निकाल लीजिए। पूरे 1 नींबू का रस डालेंगे हम यहाँ पर, और नींबू डालने के बाद हम इसको पकाएंगे नहीं, अब इसको गैस बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को हम ठंडा होने देंगे। अब ये मिक्स ठंडा हो गया है, अब हम इसे ब्लेंडर में डाल के इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। मैसूर मसाला डोसा की चटनी तैयार है, चलिए अब हम डोसा बनाते हैं। अभी हमारे बैटर तैयार है और ये मैसूर मसाला डोसा की चटनी भी तैयार है, हम लोग डोसा बनाना शुरू करते हैं। तवे को अच्छे से गर्म कीजिए, इसमें थोड़ा सा तेल लगाइए, तेल को हम किसी किसी से वाइप कर लेते हैं। अभी तवे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जब हम डोसा बनाएंगे तब हमें टेम्परेचर कम चाहिए, इसलिए थोड़ा सा पानी डालेंगे हम इसमें। ये मैसूर मसाला डोसा हमें बहुत पतला नहीं बनाना है, इसको थोड़ा खिंची रखेंगे हम। जब ऊपर से थोड़ा सा ये डोसा पकने लगे तब हम इसमें डाल देंगे ये चटनी, अपने हिसाब से डालिए, ये वैसे तो बहुत ज़्यादा डालते हैं। मैंने 2 चम्मच डाली हुई है और इसको अच्छे से स्प्रेड कीजिए। और हम इसमें डालेंगे ये आलू की सब्जी, डोसा की आलू की सब्जी। इसका पूरा वीडियो मेरे पुराने वीडियोज में आपको मिल जाएगा और मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगी।
हमारा ये मैसूर मसाला डोसा रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार है। स्ट्रीट फूड स्टाइल मैसूर मसाला डोसा की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए एक प्याज बारीक कटा हुआ। ये हमने एक छोटा बीट रूट लिया है, इसको हमने कद्दूकस कर लिया है। फिर हमारी मसाला डोसा की सब्जी है। अगर आपके पास मसाला डोसा की सब्जी तैयार नहीं है तो आप बॉइल्ड आलू भी ले सकते हैं, बॉइल्ड पोटैटोज भी चलेंगे। ये हमने लिए हैं लगभग 2 मीडियम साइज के आलू की सब्जी है, 2 स्मॉल टोमेटोज कट, छोटी शिमला मिर्च, कैप्सिकम कटी हुई। फिर हमने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, 3 से 4 हरी मिर्चें, ग्रीन चिलीज, कुछ करी पत्ते, करी लीव्स। फिर हमने लिया है 1 टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, नमक 2 टीस्पून या स्वादानुसार, चुटकी भर हींग, और हम तेल लेंगे लगभग 2 टेबलस्पून। पैन में हमने लगभग 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है और ऑयल अब भी गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे हम लहसुन और अदरक का पेस्ट, इसको अच्छे से भून लेंगे। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ब्राउन हो चुका है, अब डालेंगे प्याज। प्याज को भी हम ट्रांसल्यूसेंट होने तक भूनेंगे। अभी प्याज ट्रांसल्यूसेंट हो चुका है, हम डालेंगे अभी ये हरी मिर्ची और करी पत्ता, 1 मिनट के लिए भूनेंगे इनको। अब हम इसमें हमारे सारे सूखे मसाले डाल देंगे, मिर्ची पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, नमक और हींग, प्याज के साथ मिला लेंगे अच्छे से। और तुरंत हम टमाटर डाल देंगे, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, 1 मिनट के लिए इसको मिलाएंगे। अब डालेंगे हम लोग ये बीट रूट। अब इसमें हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। इस बीट रूट को पकाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका बहुत रॉ टेस्ट होता है और पकने के बाद ये थोड़ी सी मीठी सी लगती है, तो इसको सबसे पहले पकाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने 1 गिलास भर पानी डाल दिया। अब जब तक ये पूरी तरह से मैश ना हो जाए बीट रूट, हम इसको पकाएंगे। अभी हमारा ये बीट रूट 80% पक चुका है। इस वक्त हम इसमें ये आलू की सब्ज़ी जो है वो ऐड कर देंगे। मेरे पास ये आलू की सब्ज़ी तैयार थी इसलिए मैं ये ऐड कर रही हूँ। आपके पास नहीं है तो आप इसमें बॉइल्ड आलू भी ऐड कर सकते हैं। स्ट्रीट फूड में जब ये सब्ज़ी बनाते हैं तो वो डायरेक्टली ये डोसा पे बनाते हैं। उनके तवे का टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो ये आसानी से पक जाती है, बट हमारा गैस का टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता है, हमारा तवा उतना गर्म नहीं होता है, तो ये उस पर नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने ये अलग से बनाई है सब्ज़ी। बट उसका इफ़ेक्ट लाने के लिए हम उसमें एक ट्रिक करेंगे जो मैं आपको दिखाऊंगी जब हम डोसा बनाएंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से दबा दबा के हमें ये सब्ज़ी पकानी है, 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से पकाना है ताकि आलू के अंदर ये सारे मसाले अच्छे से चले जाए और बीटरूट का और आलू का टेस्ट एक साथ मिक्स हो जाए अच्छे से। अब 3 मिनट हो चुके हैं, हम लोग अभी गैस बंद कर देंगे और सब्ज़ी को उतार के बाजू में रख लेंगे। डोसा बैटर तैयार है और हमारी ये स्ट्रीट फूड मैसूर मसाला डोसा की सब्ज़ी भी तैयार है। अब हम डोसा बनाना शुरू करते हैं। तवा गर्म हो चुका है, थोड़ा सा तेल लगाएंगे। तेल को टिश्यू की सहायता से हम लोग स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। वही तवे का टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए हम लोग थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करके मैसूर मसाला डोसा बहुत पतला नहीं होता है, इसको हम थोड़ा सा थिक ही रखें। स्ट्रीट पे जब ये मैसूर मसाला डोसा बनाते हैं तो इसी पे वो सब्ज़ी के सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के सब्ज़ी बनाते हैं इसके ऊपर, बट हमारे तवे का टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता है इसलिए वो इंग्रेडिएंट्स पक नहीं पाएंगे, इसलिए हमने पहले ही सब्ज़ी बना के रखी है। अब थोड़ा सा जब ये डोसा ऊपर से पक जाएगा तब हम वो सब्ज़ी उसके ऊपर डाल देंगे। इसको स्ट्रीट फूड का टेस्ट आने के लिए हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मैश करते हुए फैलाएंगे।
ताकि वो जो सब्जी के जूसेस है वो पूरे डोसे में अच्छे से चले जाए और उसका टेस्ट हमें अच्छे से मिले। फ्लेम स्लो करके हम लोग इसको 1 मिनट 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इस डोसा को आप वैसे भी खा सकते हैं या फिर इसको सांभर के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल मैसूर मसाला डोसा एंड स्ट्रीट फूड स्टाइल मैसूर मसाला डोसा, ये दोनों टाइप के मैसूर मसाला डोसा आप बनाकर देखिए और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कौन सा टाइप पसंद आया है। और ऐसी अनेक रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे आने वाली रेसिपीज का। धन्यवाद।